फेंकिए ना, यहीं से फेंकिए चला जाएगा। हाँ हाँ तक एक बार और हाथ में, हाथ में पहना दीजिए, नीचे पहना ना। हाँ नीचे पहना। आइए मनोज भैया आ जाइए ना, सर को राजेंद्र बाबू के पैतृक गांव जीरादेही में हम सब उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भूमि को नमन करते हैं। यह भूमि देश के प्रथम कृषि मंत्री, देश के प्रथम राष्ट्रपति और देश के सांस्कृतिक, भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करके सांस्कृतिक भारत के जो सम्मान का जो उन्होंने काम किया वो भी अस्मरणीय इतिहास है जो सांस्कृतिक भारत के प्रतीक। और ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जीवन, जिन्होंने मैं सत्याग्रह के भूमि चंपारण का रहने वाला हूँ, और मोहन चंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, बापू और राष्ट्रपिता बनाने के क्रम में उनकी जितनी व्यथा गथा है उसको सत्याग्रह के चंपारण एक पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने दर्ज कर एक इतिहास कायम किया, जिस पर आज पूरा देश ही नहीं दुनिया शोध कर रहा है। सत्याग्रह, चंपारण, बापू की अर्थ नीति और बापू के राष्ट्रपति थे, बापू के 150 बरस की जयंती के अवसर पर बापू ने कहा था कि आप मुझे आजादी दीजिए, हम आपको राम राज देंगे। वह राम राज क्या भी अपना जो राम मंदिर है उसका भी निर्माण काम डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जो सांस्कृतिक राष्ट्र का जो सपना था वो भी पूरा हुआ। तो आज के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सशक्त नमन करता हूँ। और उनके जो अधूरे सांस्कृतिक भारत के जो वर्तमान भारत की सरकार और अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने द्वारा आज ही के दिन जल जीवन हरियाली तब होगा जीवन की खुशहाली, यह भी अभियान आज के दिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मदिन के अवसर पर सत्याग्रह की भूमि चंपारण से प्रारंभ कर रहे हैं। यह भी हम सब सौभाग्यशाली बिहारवासी हैं। तो एक बार पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अधूरे सपने को आज राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार साकार करने के दिशा में उनके संकल्प को आगे बढ़ा है, यही इनके जन्मदिन के अवसर पर सच्ची शुभकामना। सर लगा ये होगा प्रक्रिया तीन है सर, कब तक यहाँ प्रखंड प्रखंड भवन भवन मौजूद हो जाएगा जो सरकार का? सुनिए सुनिए प्रखंड भवन है, कृषि भवन है, ये सब प्रक्रिया तीन है, सरकार धीरे धीरे पूरा। सर यहाँ पे पुस्तकालय भवन का निर्माण करने के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। हम जैसे लगाए थे वैसे घुमाइए ना, घुमाइए ना, वैसे आपस गिर जाएगा। राजेंद्र बाबू के पैतृक गांव जीरादेही में हम सब उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भूमि को नमन करते हैं। यह भूमि देश के प्रथम कृषि मंत्री, देश के प्रथम राष्ट्रपति और देश के सांस्कृतिक, भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करके सांस्कृतिक भारत के जो सम्मान का जो उन्होंने काम किया वो भी अस्मरणीय इतिहास है जो सांस्कृतिक भारत के प्रतीक। और ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जीवन, जिन्होंने मैं सत्याग्रह के भूमि चंपारण का रहने वाला हूँ, और मोहन चंद करमचंद गांधी
को महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता बनाने के क्रम में उनकी जितनी व्यथा गथा है उसको सत्याग्रह के चंपारण एक पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने दर्ज कर एक इतिहास कायम किया जिस पर आज पूरा देश ही नहीं दुनिया शोध कर रहा है सत्याग्रह चंपारण बापू की अर्थ नीति और बापू के 150 बरस की जयंती के अवसर पर बापू ने कहा था कि आप मुझे आजादी दीजिए हम आपको राम राज देंगे। वह राम राज का भी अपना जो राम मंदिर है उसका भी निर्माण काम डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जो सांस्कृतिक राज का जो वो भी पूरा हुआ। तो आज के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सशक्त नमन करता हूँ और उनके जो अधूरे सांस्कृतिक भारत के जो वर्तमान भारत की सरकार और अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने द्वारा आज ही के दिन जल जीवन हरियाली तब होगा जीवन की खुशहाली यह भी अभियान आज के दिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्मदिन के अवसर पर सत्याग्रह की भूमि चंपारण से प्रारंभ कर रहे हैं। यह भी हम सब सौभाग्यशाली बिहारवासी हैं तो एक बार पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अधूरे सपने को आज राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार साकार करने के दिशा में उनके संकल्प को आगे बढ़ा है यही इनके जन्मदिन के अवसर पर सच्ची शुभकामना। सर लगा ये होगा प्रक्रिया 3 है सर कब सर यहाँ पे प्रखंड प्रखंड भवन मौजूद हो गया या जो सरकार का सुनिए थोड़ा प्रखंड का अपना प्रखंड भवन है कृषि भवन है ये सब प्रक्रिया 3 है सरकार धीरे धीरे पूरा सर यहाँ पे पुस्तकालय भवन का निर्माण करने के लिए कहा गया था लेकिन अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ।